नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ज्योति। और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम साड़ी को एज ए लहंगा कैसे पहन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारा साड़ी लेना होगा जिससे आपको एज ए लहंगा कन्वर्ट करना है। उसे आपको सबसे एंड से स्टार्ट करना है और उसे 3 to 4 टाइम एज ए प्लेट्स बनाना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, और उसे अपने पेटीकोट के अंदर टक कर देना है, अंदर डाल देना है। अब हमें यही प्रोसेस पूरे टाइम पूरी साड़ी में फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, वापस से हमें प्लेट्स बनाने हैं 3 to 4 टाइम्स साड़ी को लेकर, और हमें अंदर टक करना है हमारे पेटीकोट के अंदर। और हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो नीचे का लेंथ है वो बहुत ज्यादा नीचे ना हो, और जितना भी लेंथ है पूरी साड़ी का वो इक्वल हो। और कोशिश करें कि आप जो ये प्लेट्स को टक कर रहे हैं अंदर, वो बाजू बाजू में हो, ज्यादा दूर दूर पे ना हो, क्योंकि ज्यादा दूरी पे होगा तो वो लहंगे वाला फील नहीं आएगा, ज्यादा घेर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आपको नजदीक नजदीक इसे टक करना है, अंदर डालना है। पूरा इसी सेम प्रोसेस में कर लेने के बाद अब हम साइड में लेके आएंगे। साइड में जितने भी बचे कुचे हमारी जो साड़ी है उसे टक करते करते, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और इसे आपको सेम तरह से फॉलो करते जाना है। और जब आप एंड पे पहुंचेंगे आपकी साड़ी के एंड में, तो आपको क्या करना है, आपको आपके जो साड़ी का एंड पार्ट है उसे फोल्ड कर अंदर डालना है, और उसके बाद इसे आपको टक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो साड़ी आपने पहले जहां से टक किया था साड़ी का सबसे पहला एंड, उसे आपको निकालकर आपके एंड वाले साड़ी के ऊपर डालना है, ताकि अनइवन ना लगे और ऐसा लगे कि ये साड़ी का ही एक पार्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें सेफ्टी पिन्स लेने हैं एंड के जो भी, और इससे दोनों भी तरफ की साड़ियों को हमें पिन कर लेना है, ताकि ये अलग अलग ना दिखे। और इसी तरह से आप चाहे तो आपने जो प्लेट्स बनाए हैं सामने, आप वहां पे भी टक कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा टाइट फील हो। छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है पूरे एंड तक। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक दुपट्टा जो हमारी साड़ी से मैच होता हो, और उसे हमें दुपट्टे में कन्वर्ट करना है, साड़ी के लहंगे के दुपट्टे में। तो अभी हमें इसे आप किसी भी तरह से, जिस तरह से आप चाहते हैं, सीधा पल्ला, उल्टा पल्ला, ओपन, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप दुपट्टे को ले सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे नॉर्मल दुपट्टा जैसे पैरअप करते हैं वैसे। तो हमें पहले अच्छी तरह से इसे प्लेट्स बना लेने हैं, उसके बाद इसमें हमें पिन सिक्योर करना है, ताकि ये जो प्लेट्स है ये इधर उधर ना हो। और फिर इसके बाद हमें इसे अपने कंधे के ऊपर रखना है, और फिर हमें जो हमारा जो लास्ट पार्ट है दुपट्टे का, उसे हमारे जो लहंगा हमने बनाया है उसके अंदर टक करना है, ताकि हमें और ये हो गया हमारा, बन गया हमारा लहंगा। आप चाहे तो इसे, ये जो आपका प्लेट है सामने से, इसी तरह से रख सकते हैं, या फिर आप इसे थोड़ा और अंदर लेके आके, जिस तरह से मैंने टक किया है, जिस तरह से मैंने दुपट्टा को पहना है, आप उस तरह से पहन सकते हैं। एंड ये बन गया हमारा साड़ी एज ए लहंगा, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरह से आपकी साड़ी को एज ए लहंगा पहन सकते हैं, और अगर आप पहनेंगे तो जरूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फोटोज शेयर करिएगा। आप कोई भी साड़ी को कॉटन, जॉर्जेट और वेलवेट, कोई भी साड़ी को एज ए लहंगा कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट लुक बना सकते हैं। और ये बिल्कुल लहंगा जैसा लगेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो था, स्मॉल वीडियो, बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ये वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।